नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आपके पास भी HDFC बैंक का अकाउंट है और दोस्तों अगर आप भी अपने HDFC बैंक अकाउंट का बैंक बैलेंस यहाँ पे केवल एक मिस कॉल से चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे केवल 2 मिनट में यहाँ पे जो है आप जो है अपने HDFC बैंक के अकाउंट का यहाँ पे जो बैलेंस है वो यहाँ पे जो है अपने यहाँ पे मैसेज के थ्रू कैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। केवल आपको एक मिस कॉल करना है और केवल एक मिनट में आपके पास एक मैसेज आ जाएगा और उसमें यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपके HDFC बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो यहाँ पे आपको मिस कॉल का भी यहाँ पे बताने वाला हूँ और यहाँ पे आपको एक मैसेज करना है, मैसेज का भी यहाँ पे नंबर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे आप जो है चेक कर सकते हैं केवल एक मिस कॉल से कि आपके HDFC बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्या बैलेंस है। देखिए दोस्तों यहाँ पे HDFC बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मिस कॉल करना है। मिस कॉल केवल आपको यहाँ पे जो है मिस कॉल आपको केवल आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही करना है, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके HDFC बैंक अकाउंट के HDFC बैंक अकाउंट में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर से ही आपको ये मिस कॉल करना है। तो नंबर मैंने आपको बता दिया है, नंबर है 1800270333। ठीक है, नंबर दोबारा से सुन लीजिए, 1800270333। इस नंबर को यहाँ पे आपको जो है कहीं पे नोट कर लेना है। इस नंबर को यहाँ पे आपको अपने डायलर पैड में आना है और यहाँ पे केवल एक मिस कॉल करना है, आपके HDFC से रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उसी से ही मिस कॉल करना है। किसी दूसरी सिम से मिस कॉल नहीं करना है आपको, जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसी से ही मिस कॉल करना है। आप देखिए यहाँ पे जो है मैं नंबर यहाँ पे कॉल करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं मिस कॉल यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि योर बैलेंस विल बी सेंड टू योर SMS। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने मिस कॉल किया है, मिस कॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास एक मैसेज आ चुका है। और देखिए यहाँ पे जो है मैसेज में आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर कस्टमर योर बैलेंस फॉर दिस अकाउंट नंबर एंडिंग विथ दिस इज दिस, ठीक है, 1541। तो यहाँ पे जो है ये HDFC बैंक का यहाँ पे मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे जो है इस मिस कॉल के थ्रू यहाँ पे जो है मिस कॉल के हेल्प से आप यहाँ पे जो है आपका जो है HDFC बैंक का जो बैलेंस का बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे एक प्रोसेस और दिखा देता हूँ आपको, उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको अपने मैसेज बॉक्स में आना है और यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना है। मैसेज में यहाँ पे प्लस में टाइप करना है और यहाँ पे आपको मैसेज टाइप करना है। किस नंबर पे टाइप करना है? नंबर है 7308080808, ठीक है। तो नंबर दोबारा से आप लिख लीजिए, 7308080808। इस वाले नंबर पे आपको मैसेज सेंड कर देना है और ये मैसेज आपको मैसेज में क्या टाइप करके सेंड करना है, BALAAN, ठीक है, बी यहाँ पे आपको यहाँ पे मैसेज में यहाँ पे टाइप करना है BALANCE बैलेंस। तो यहाँ पे आपको बैलेंस टाइप करना है, बैलेंस टाइप करके यहाँ पे आपको सेंड कर देना है, बैलेंस यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे सेंड कर देना है और यहाँ पे आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही करना है ये भी, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी आप मिस कॉल करेंगे या ये जो SMS सेंड करेंगे इस पे 7308080808 इस वाले नंबर पे जो आप मैसेज सेंड करेंगे दोनों जो है आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है दोबारा से मेरे पास एक मैसेज आ चुका है और देखिए यहाँ पे आ चुका है मेरा अकाउंट बैलेंस। देखिए यहाँ पे लिखा हो रहा है, डियर कस्टमर योर बैलेंस फॉर दिस अकाउंट नंबर इज दिस। और देखिए अभी 6:23 पे मैंने मैसेज सेंड किया था और देखिए 6:24 अभी यहाँ पे जो है टाइम हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप भी जो है अपना HDFC बैंक अकाउंट का यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है सुझाव है नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बोलते हैं हर मध्य शंभू जय भोलेनाथ।